सो हांजी म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई कारण भाई का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है कर लिए, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी मूवी के बारे में, अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में भी बात किया। क्या बोला है वो सारी क्लिप मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, देख लेना। तो भाई उनका है ना मूवी में नाम करण औजला नहीं होने वाला, और कुछ होगा जो कि अब जो भी कैरेक्टर होगा वो नाम होगा, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, तुम देख लेना। पूरी इंटरव्यू की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पेंड कॉमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। सो बस यही है। बाकी करण भाई ने यह भी बताया कि भाई वो पोस्टर ड्रॉप करने वाले थे मूवी का, लेकिन क्यों नहीं करा, उसमें देर क्यों लग रही है, क्यों, क्योंकि भाई अब उन्होंने ना थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया है मूवी का, उसे बड़े स्केल पे बनाने वाले हैं वो, सो इसलिए देर लग रही है। बाकी अगले साल तक ये मूवी आ जाएगी, पोस्टर वगैरह जल्दी आ जाएगा, बाकी तुम खुद सुन लो, और पूरे इंटरव्यू की लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो रिसेंटली आपा थोड़े गियर बदल लिए, रिसेंटली एक इंटरव्यू दे विच मूवी अनाउंसमेंट हो गई, और हर पासे एवरीबॉडी इज आस्किंग मी कि करण मूवी कर रहे हैं, करण मूवी कर रहे हैं, करण पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, कदों आ रही है। सो गिव अस सम टी, what's going on with that? ਉਹ ਦੋ ਪਲਾਨ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਆਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ? ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੈਰੇਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੈਰੇਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੁਲਾਈਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਓਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ।